हमारे भारतीय संविधान में राइट टू हेल्थ को आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार माना गया है। मतलब इस देश में हर एक इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सभी को एक स्वस्थ जीवन जीने का हक दिया गया है। इसलिए भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए एक अलग बजट बनाती है, जिससे बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल बनाए जा सके और लोगों का कम से कम पैसों में इलाज किया जा सके। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ लोग हमारे संविधान को ताक पर रख हमारे हक पर सीधा प्रहार कर रहे हैं और एम्स पटना जैसे देश के रेप्यूटेड संस्थान में नकली दवाओं का खेल खेल रहे हैं और जो लोग एम्स को एक होप की तरह देखते हैं उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक सबसे फेमस और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। वैसे तो हमारे देश में कई सारे एम्स है, लेकिन हम बात करेंगे एम्स पटना के सिस्टम में हुए फ्रॉड की। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा कहना है माननीय पटना हाई कोर्ट के जज का। एम्स पटना के ओपीडी में 3000% डेली अपना इलाज कराते हैं, आईपीडी में लगभग 1000% एडमिट रहते हैं और करीब 50% का ऑपरेशन डेली होता है। अगर एक रफ एस्टिमेट को जोड़ा जाए तो ओपीडी से पेशेंट एवरेज 750 रुपये का ही दवा लेते हैं, तो पर डे 22.5 लाख की मेडिसिन की सेलिंग सिर्फ ओपीडी से होती है। वहीं आईपीडी से लगभग हर एक पेशेंट ऑन एन एवरेज 3000 रुपये का ही दवा जोड़ा जाए तो पर डे 2.7 लाख की मेडिसिन की सेलिंग आईपीडी से होती है। और अगर ओटी की बात करें तो हर एक पेशेंट ऑन एन एवरेज लगभग 10000 रुपये का ही दवा लेते हैं तो पर डे लगभग 5 लाख की मेडिसिन की सेलिंग ऑपरेशन से होती है। सब मिलाकर लगभग 30 लाख डेली का मेडिसिन सेल आउट होता है। अगर मंथ की बात करें तो लगभग 8 करोड़ रुपये का मेडिसिन सेल आउट होता है और अगर साल की बात करें तो लगभग 100 करोड़ की मेडिसिन एम्स पटना में हर साल बिकती है और 3 साल की बात करें तो लगभग 300 करोड़ और यह मामला कम से कम 300 करोड़ का है। आइए पहले टेंडर के बेसिक प्रोसेस को समझते हैं। टेंडर में 2-bid सिस्टम होता है, टेक्निकल और कमर्शियल। टेक्निकल बिड में सभी बिडर्स को बुलाया जाता है और उनके डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी किया जाता है। जो बिडर्स टेक्निकल राउंड में क्वालिफाई करते हैं वो फर्म कमर्शियल बिड के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन सभी फर्मों में से जो सबसे कम की बिड लगाता है उसको वो टेंडर दे दिया जाता है। यह बात शुरू होती है 2014 में। एम्स पटना के प्रीमिसेस में मेडिसिन शॉप के लिए 16 अप्रैल 2014 को एक टेंडर निकाला जाता है। इस टेंडर में वही फर्म पार्टिसिपेट कर सकती थी जिसके पास रिटेल ड्रग लाइसेंस हो और रिटेल मेडिसिन बिजनेस में मिनिमम 5 साल के एक्सपीरियंस। इस टेंडर में 11 फर्म ने पार्टिसिपेट किया जिसमें 2 फर्म को टेक्निकल राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया गया और 9 फर्म में से 2 फर्म को सिलेक्ट किया गया। जो 2 फर्म सिलेक्ट हुए उनके नाम थे मेडिसिन पैलेस और दूसरा था श्री उमिया प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि ये टेंडर एम्स पटना के अंदर सिर्फ एक शॉप के लिए था, सो एज पर टेंडर पेज नंबर 14 दोनों फर्म में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना था जिसके लिए एरिया भी ऑलरेडी ईयरमार्क था। सो आइए देखते हैं कैसे एम्स पटना ने एक कंपनी को फेवर किया और कैसे सारे रूल्स रेगुलेशन को तोड़ते हुए उसके लिए एम्स पटना कैंपस में एक प्लेस क्रिएट किया गया। श्री उमिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। यह एक ऐसी कंपनी है जो एमसीए तक में रजिस्टर्ड नहीं था और उसको बिना वेरिफिकेशन किए एम्स जैसे देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट किया गया, जो अपने आप को हाई इथिकल वैल्यू का इंस्टीट्यूशन बताता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह सामने आया कि टेंडर में सिलेक्शन श्री उमिया प्राइवेट लिमिटेड का हुआ, जो कि गैर कानूनी और कंट्रोवर्शियल है, और एग्रीमेंट एम्स पटना ने श्री उमिया इंटरप्राइजेज के साथ किया जो इस टेंडर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। टेंडर प्रक्रिया में एक मुख्य भूमिका सॉफ्ट वेरिफिकेशन का भी होता है, जिसे भी नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है कि श्री उमिया इंटरप्राइजेज ने टेंडर बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और अगर माना जाए कि उसे अनड्यू फेवर करके उस टेंडर को दे भी दिया गया तो भी 2014 में उसके पास टेंडर के अपने ही क्लॉज में 5 साल का रिटेल बिजनेस का वर्क एक्सपीरियंस नहीं था और न ही रिटेल ड्रग लाइसेंस। और यह जानकारी लाइसेंस अथॉरिटी ड्रग डिपार्टमेंट पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक आरटीआई से पता चला। वहीं दूसरी ओर एम्स पटना के डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि रिटेलर लाइसेंस होने के बाद ही उस फर्म को एम्स के अंदर में मेडिसिन शॉप दी गई है। मतलब कि एम्स पटना के डायरेक्टर के अनुसार जो डिपार्टमेंट ड्रग लाइसेंस दे रही है वही गलत है। उस टेंडर में एक और बिडर सिटाडेल विजिलेंट सिस्टम था जिसके प्रोवाइडर मिस्टर मुकेश कुमार रॉय हैं। उन्होंने सिलेक्टेड बिडर्स की एलिजिबिलिटी को लेकर एम्स पटना को 2014 में लीगल नोटिस भेजा, लेकिन उनके नोटिस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब जाकर उन्होंने 2015 में पटना हाईकोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल किया जिसके जवाब में माननीय हाईकोर्ट ने 22 जनवरी 2015 को ऑर्डर दिया कि अगर श्री उमिया इंटरप्राइजेज के शॉप का संचालन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसे शॉप स्टार्ट करने से रोक दिया जाए। एम्स के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह ने ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करते हुए 26 जनवरी 2015 को शॉप का इनॉग्रेशन खुद किया।
काफी सुनवाई के बाद इस केस में फाइनली ऑनरेबल जस्टिस अमनुल्लाह ने 22 जून 2016 को जजमेंट दिया कि श्री उमिया इंटरप्राइजेज को बहुत पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं किया गया। यह एम्स अथॉरिटी के लिए गाली है और एम्स के सिस्टम में एक फ्रॉड है। लेकिन शॉकिंग फैक्ट यह है कि इस जजमेंट पर एम्स ने ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माना और न ही दुकान को बंद किया। आपको यह जानकर और हैरानी होगी कि एम्स पटना में ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगाकर नकली और महंगी दवा बेचने वाली कंपनी श्री उमिया इंटरप्राइजेज ही है, जिसे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने 2016 में ही पकड़ा था। सबसे बड़ी चीज है कि यह सारा खेल एम्स पटना के अंदर हो रहा था, और यह कैसे हो सकता है कि एम्स पटना को अपने कैंपस के अंदर चल रहे इस खेल के बारे में पता ही ना हो। फिर यह मामला स्वास्थ्य विभाग के न्यायालय में गया और जजमेंट 2019 में आया कि जिसमें श्री उमिया इंटरप्राइजेज को एम्स पटना के कैंपस के अंदर नकली दवा को बेचने का दोषी पाया गया। स्वास्थ्य विभाग के न्यायालय के जजमेंट के बाद भी एम्स पटना के द्वारा श्री उमिया इंटरप्राइजेज को फेवर किया गया और पब्लिक के जान से खिलवाड़ करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की जगह उससे दवा लगातार लिया गया। क्या इस कंपनी के साथ एम्स पटना प्रशासन को भी समान रूप से दोषी नहीं माना जाए? जब ये सारा चीज 2019 में मीडिया में आया तो आनंद फानन में बिना अल्टरनेट अरेंजमेंट के शॉप को टर्मिनेट किया गया और जो संस्थान एम्स पटना के प्रमिसेज में था ही नहीं उसे टर्मिनेट किया गया। मतलब कि शॉप श्री उमिया इंटरप्राइजेज का था और टर्मिनेट श्री उमिया प्राइवेट लिमिटेड को किया गया, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पटना हाईकोर्ट और स्वास्थ्य विभाग के जजमेंट के बावजूद भी श्री उमिया इंटरप्राइजेज को फेवर किया गया और शॉप को बंद नहीं किया गया। इससे एम्स प्रशासन पर कुछ और सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट को सही जानकारी क्यों नहीं दी गई कि श्री उमिया इंटरप्राइजेज ने टेंडर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, बल्कि श्री उमिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की डायरेक्टरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दूसरा सवाल, आखिर ऐसा स्टेप एम्स पटना के डायरेक्टर को क्यों उठाना पड़ा कि टेंडर किसी और कंपनी ने भरा और एग्रीमेंट किसी और कंपनी के नाम पर किया गया, जो इस टेंडर प्रोसेस में शामिल ही नहीं हुआ? आखिर क्या मजबूरी थी एम्स पटना के डायरेक्टर की, जिन्होंने रिटेल ड्रग लाइसेंस और एक्सपीरियंस नहीं होने के बावजूद भी ऐसे फर्म के साथ समझौता किया, या फिर बात ही कुछ और थी? और सबसे बड़ी बात, एम्स पटना ने हाईकोर्ट और स्वास्थ्य विभाग की ऑर्डर की अवहेलना क्यों की और नकली दवा बेचने वाली कंपनी को इस तरह फेवर क्यों किया? क्या एम्स पटना पर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगना चाहिए? एम्स जैसे नेशनल लेवल के रेप्यूटेड संस्थान को हम सभी एक होप की तरह देखते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स पे हम सभी को पूरा भरोसा होता है, लेकिन टॉप लेवल पे बैठे कुछ लोगों की वजह से इसकी गरिमा को धक्का लगना तय है। क्या इस सब के बाद एम्स के गवर्निंग बॉडी और इंस्टीट्यूशन बॉडी बिहार सरकार, सीवीसी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और पीएमओ को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए?